वेलकम बैक मक, तुम्ही कशा आहात, आप कैसे हो, नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। और ये है रेडमी का रेडमी नोट 13 प्रो प्लस और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में विद ऑफर्स वगैरह लगा के बोली जा रहे कि ये फोन आएगा लगभग 25,000 से लेके 26,000 के आसपास, 1-2 हजार ऊपर नीचे। और इस प्राइस ब्रैकेट में ऑलरेडी इंडिया में तगड़े तगड़े फोन आ चुके हैं, उनमें से एक है व्यू का T2 प्रो। तो आज की वीडियो में आपको टकाटक पता चल जाएगा कि क्या आपको रेडमी का वेट करना चाहिए या व्यू का T2 प्रो कम प्राइस में इधर उधर मिल रहा हो तो आपको ये बाय करना चाहिए। सब कुछ क्लियर कट और आपके लिए इसे टकाटक फोन बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो प्लीज यार आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है तो लाइक कर देना, 1000 लाइक का टारगेट रखते कर दो यार कंप्लीट फटाफट। लाइक करने से ना मोटिवेशन मिलता है तगड़ा। और हमारे लगभग सब्सक्राइबर 2.5 लाख होने वाले हैं, बट आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो ऐसे नए नए फोन की वीडियो देखने ना आने वाले टाइम पे, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार यहाँ पे डिफरेंस मुझे सामने दिख रहा है डिजाइन में कौन सा फोन बेटर देखने मिलता है, चलो डिजाइन का बता देता हूँ। बट सबसे पहले स्टोरेज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट रेडमी हमें 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज देता है बेस वेरिएंट में। बट बात करें वीवो की तो वीवो का T2 Pro 8 GB और 128 GB का बेस वेरिएंट देखने मिलता है और 8 GB 256 GB का इसका हायर वेरिएंट देखने मिलता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको हायर वेरिएंट ही लेना चाहिए क्योंकि एक साल के बाद स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यार डिजाइन में ये डिफरेंस मुझे देखने मिला कि जो साइड फ्रेम है ना ये दोनों के अंदर प्लास्टिक की देखने मिलती है, बट थिकनेस देख लेना यार, मतलब यहाँ पे वीवो कितना स्लिम फील होता है। आप सामने से देखते हो, आप टॉप व्यू से देखते हो, आप बॉटम से, पीछे से, आगे से, कहीं भी देख लो, वीवो ज्यादा स्लिम फील होता है एज कम्पेयर टू रेडमी। और रेडमी थोड़ा बड़ा है और थिक है जैसे कि देख सकते हो, बट यहाँ पे वेट में भी मुझे डिफरेंस देखने मिला। जैसे कि वीवो 175 ग्राम के आसपास देखने मिलता है तो रेडमी का वेट लगभग 205 ग्राम है, मतलब हाँ थोड़ा हेवी फील होता है ये फोन, बट मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं इसलिए वन हैंड स्विंग्स करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट और एक यहाँ पे डिफरेंस देखने मिला वो है कि बैक पैनल के अंदर। बट यार ये जो वीवो है इसका बैक पैनल हमें ग्लास का देखने मिलता है और ये ग्लॉसी है, मतलब शाइनी है, और इसके ऊपर इजिली उंगलियों के वगैरह निशान आते हैं और ये दिख जाते हैं, तो आपको बार बार ऐसा साफ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बात करें रेडमी की तो ये बैक पैनल यार यहाँ पे ना लेदर का देता है और बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे फिंगर के आइकन वगैरह नहीं आते, ना इसके ऊपर अभी तक स्क्रैच भी आया है, ना इसके ऊपर वीवो के ऊपर भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कवर के साथ फोन यूज करना चाहिए। बट रेडमी में जो यहाँ पे देख सकते हो कैमरे के आसपास ना 1, 2, 3 ऐसे अलग कलर है और नीचे और एक फोर्थ नंबर वाला कलर देखने मिलता है, इसके वजह से यार ये बहुत ही मस्त दिखता है। पता नहीं यार मुझे पिक्सल जैसा ही फील आ रहा था, पिक्सल का कोई ऐसा एक फोन था उसमें भी कुछ ऐसी डिजाइन थी, तो हाँ यार ये बहुत ही प्रोफेशनल और मस्त दिखता है। तो बैक साइड से मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे रेडमी की डिजाइन बेटर लगी। और फ्रंट से बात करें तो दोनों के अंदर हमें कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है और हाँ यहाँ पे यार बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं कर्व डिस्प्ले होने की वजह से। शायद आपको कर्व डिस्प्ले पसंद ना आए, बट यार मैं कर्व डिस्प्ले का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और किस किस को कर्व डिस्प्ले पसंद आते वो भी बंदे नीचे जरूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे बेजल्स की बात करें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हाँ यार यहाँ पे ना बेजल्स हमें दोनों के अंदर ना के बराबर देखने मिलते हैं, सेम टू सेम ही बेजल देखने मिलते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेजल के अंदर, बेजल बिल्कुल सेम ही है। बट यहाँ पे दोनों के अंदर हमें हेडफोन जैक का सपोर्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलता, बट रेडमी में हमें एक्स्ट्रा आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट देखने मिलता है जो वीवो के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज मुझे सही लगी। और रेडमी के अंदर और एक एक्स्ट्रा चीज देखने मिलती है वो है कि IP68 की रेटिंग, मतलब रेडमी को आप पानी के अंदर 30 मिनट तक डुबा सकते हो 1.5 मीटर वाटर तक आई थिंक, मतलब डेप। तो ऐसे कोई IP68 की प्रॉपर रेटिंग वीवो के अंदर देखने नहीं मिलती, बट नॉर्मल डस्ट प्रूफ वगैरह तो रहता है, मतलब नॉर्मल मॉइस्चर वगैरह तो चल ही जाता है, बट प्रॉपर आईपी यहाँ पे आपको रेडमी के अंदर देखने मिल जाएगी, तो ये मेरे हिसाब से बहुत सही चीज है। बट इसके बाद मेरी मेन टेस्टिंग होती है डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि हम डिस्प्ले तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना। तो हाँ यार यहाँ पे रेडमी के अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो वीवो के अंदर हमें 6.78 इंच का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने मिलता है, ये भी AMOLED है और ये भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ हमें देखने मिलता है। दोनों भी कर्व है तो मस्त दिखते हैं। बट यहाँ पे जितना मैंने देखा कि इंडोर में और आउटडोर में यहाँ पे रेडमी ज्यादा ब्राइट फील होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें 1800 नीट्स की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी देखने मिलती है, बट आउटडोर में कहीं ना कहीं रेडमी स्लाइडली बेटर फील होता है। और जितना मैंने देखा YouTube के अंदर 4K HDR का सपोर्ट दोनों के अंदर देखने मिलता है, जैसे ही 4K HDR लगाते हो दोनों के भी डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, तो ये सही लगा मुझे। बाकी Netflix के ऊपर देखा तो दोनों के अंदर हमें HDR10 का सपोर्ट देखने मिलता है, बट एक्स्ट्रा हमें Dolby Vision का सपोर्ट रेडमी के अंदर देखने मिलता है, तो ये भी सही है। बाकी Wide 1 L1 तो है ही है, तो Netflix Amazon पे आप फुल HDMI वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। बट जितना मैंने YouTube की क्वालिटी देखी यहाँ पे 4K HDR में कोई लैगिंग वगैरह देखने नहीं मिलती और क्वालिटी बहुत सही देखने मिलती है, डीप ब्लैक वगैरह हमें देखने मिलते हैं। बट हाँ थोड़ी सी आप क्वालिटी रिड्यूस करते हो रेडमी के अंदर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट फील आता है, तो यार इसको फिक्स किया जा सकता है, देखते हैं इंडियन वेरिएंट में कैसे ही फिक्स होके आता है कि नहीं। बट ओवरऑल जो डिस्प्ले है ना दोनों का ये मुझे बहुत ही मस्त लगा। और उसके बाद मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी टेस्ट किया दोनों के, स्लाइडली भी वो थोड़ा फास्ट देखने मिलता है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ दोनों के भी फिंगरप्रिंट एक्यूरेटली काम कर लेते हैं। बट एक निराशा मुझे वीवो के अंदर देख
फैमिली और एक हैप्टिक्स वीवो के घुरघुर वाले वाइब्रेशन मोटर देखने मिलती है। तो रेडमी के अंदर हमें टक टक वाले वाइब्रेशन मोटर देखने मिलती है और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये चीज मुझे सही लगी। बट वीवो और एक डिपार्टमेंट में निराश कर देता है वो एक स्पीकर। अभी देखो वीवो के अंदर हमें लाउड स्पीकर देखने मिलता है बट ये सिंगल है, बट रेडमी के अंदर हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, लाउड है और मजा आता है यार। मतलब कुछ मूवी वगैरह आप देख रहे हो ना तो रेडमी में आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी आउटपुट यहाँ पे आप सुन सकते हो तो इससे भी क्लियरली आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मेन पार्ट होता है नेटवर्क, वो किसका बेटर देखने मिलता है। देखो यार यहाँ पे जितना मैंने 5G को टेस्ट किया, अभी रेडमी के अंदर हमें 9 5G के बैंड देखने मिलते हैं तो वीवो के अंदर 10 5G के बैंड है। मतलब सारे इंपॉर्टेंट सपोर्टेड बैंड देखने मिलते हैं और स्पीड के रिगार्डिंग मुझे कोई दिक्कत देखने नहीं मिली। 5G टकाटक चल रहा है और उसके साथ 4G प्लस का भी टकाटक सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलता है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी सही देखने मिली। बट डिफरेंस यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर है कि नहीं और कितना है ये तो चेक करना बनता है क्योंकि दोनों के अंदर हमें सेम प्रोसेसर देखने मिलता है, बस रेडमी ने यहाँ पे थोड़ा गेम खेला है, थोड़ा सा नाम चेंज किया है प्रोसेसर का। अभी देखो रेडमी के अंदर हमें डेमिसिटी 7200 अल्ट्रा देखने मिलता है। अल्ट्रा मतलब वैसे अल्ट्रा मत समझना, नाम के अंदर जुगाड़ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और T2 Pro के अंदर हमें डेंसिटी 7200 देखने मिलता है। इन्होंने अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं लगाया प्रोसेसर के आगे नाम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना मैंने Antutu टेस्ट किया, हाँ Antutu में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मुझे देखने मिला क्योंकि रेडमी के अंदर लगभग Antutu 7,83,000 के अराउंड देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे वीवो के अंदर 7,10,000 के आसपास Antutu देखने मिलते हैं। बाकी जितनी मैंने CPU थ्रॉटलिंग यहाँ पे देखी, वीवो के अंदर हमें स्टेबल परफॉर्मेंस देखने मिलता है, बिल्कुल ग्राफ यार येलो या रेड वगैरह देखने नहीं मिलता, स्टेबल ग्रीन देखने मिलता है। बट रेडमी के अंदर हमें थोड़ी सी थ्रॉटलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस स्कोर की बात करें, वीवो के अंदर कोई थ्रॉटलिंग नहीं है और एवरेज JIPS स्कोर 2,42,000 के आसपास रहते हैं और रेडमी के अंदर हमें 85% की परफॉर्मेंस देखने मिलती है बट 2,18,000 के आसपास इसके एवरेज JIPS स्कोर देखने मिलते हैं, तो स्टेबल परफॉर्मेंस में वीवो आगे है। बाकी मैंने देखा कि स्टोरेज, अब देखो यार यहाँ पे रेडमी के जो भी मैंने इंटरनेट पे स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं उसमें 3.1 यूएफए स्टोरेज मेंशन है बट जो स्पीड आ रहा है ना रेडमी का वो 2.2 जैसा ही आ रहा है और वीवो के अंदर हमें यूएफए स्टोरेज 2.2 देखने मिलता है। आप रीड राइट्स का स्पीड यहाँ पे देख सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि रेडमी के अंदर भी यूएफए स्टोरेज 2.2 ही है, 3.1 बस इंटरनेट पे लिखा होगा आई थिंक। उसके बाद मैंने देखा कि इन प्रोसेसर के साथ काइनमास्टर ऐप में डिफरेंस आता है कि नहीं, तो मैंने क्या किया एक सेम लेंथ का वीडियो दोनों के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया और हम एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया तो दोनों भी क्वाड HD तक मतलब 2K तक ही वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी 1080p 60fps और हाई बिट रेट पे सेम टाइम पे दोनों के अंदर एक्सपोर्टिंग पे एक वीडियो लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं रिजल्ट देख के शॉक हो गया क्योंकि दोनों भी ऑलमोस्ट 1 मिनट 43 सेकंड के आसपास इन्होंने वीडियो रेंडरिंग को फिनिश किया, बस 1 सेकंड का ही डिफरेंस था, 1 सेकंड से पहले रेडमी ने फिनिश किया था, तो इसको मेजर डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, तो जो रेंडरिंग का स्पीड है ना वो भी सिमिलर सा ही देखने मिलता है। बाकी मैंने देखा कि ऐप ओपनिंग में क्लोजिंग में डिफरेंस है कि नहीं, तो ऐप ओपनिंग में भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम पे ही दोनों फोन फटाफट एप्स को ओपन कर रहे थे, तो ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट हाँ सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस है कि नहीं, तो है डिफरेंस। अभी देखो ये जो मेरे पास रेडमी वाला फोन है ये चाइनीज वेरिएंट है तो इसमें चाइनीज MIUI 14 चल रहा है तो ज्यादा स्टेबल है और वीवो के अंदर हमें फ्रंट टच OS 13 देखने मिलता है और दोनों भी एंड्रॉइड 13 पे चल रहे हैं। और जितना मैंने एड्स ब्लोटवेयर्स देखे तो हाँ यार दोनों के अंदर हमें ब्लोटवेयर भर भर के देखने मिलते हैं, चाहे इंडिया में रेडमी आ जाए ये ब्लोटवेयर के साथ ही आएगा और चाइनीज वेरिएंट के अंदर तो बहुत सारे ब्लोटवेयर थे जो मुझे अनइंस्टॉल करने पड़े। बट हाँ यहाँ पे बात करें एड्स की तो ऐसे ओपन एड्स मुझे ज्यादा नोटिस नहीं हुए, बट वीवो के अंदर जो इनका खुद का जो हॉट एप्स हॉट गेम्स है और इनका जो फी एप स्टोर है ना ये फालतू के बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा नहीं तो आपको ये परेशान करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज है, एनिमेशन वगैरह कैसे ये भी मैंने चेक किया, तो हाँ ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हमें रेडमी के साथ देखने मिलते हैं और ये स्मूथ फील होता है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे बात करें वीवो की तो हाँ यार इसके एनिमेशन अभी भी इतने ज्यादा इंप्रूव्ड नहीं है, कभी कभी लैग फील होता है, स्टटर्स आते हैं एनिमेशन के अंदर, जैसे कि आप कैमरा ऐप को ओपन क्लोज करते
करते हो, इंस्टाग्राम को ओपन क्लोज करते हो, तो कभी कभी ऐसा मतलब अचानक से एकदम एनिमेशन ऐसे रोक के भाग जाते हैं, ऐसी दिक्कतें है वीओ के अंदर और ये फिक्स किया जा सकता है। कंपनी को थोड़ा सा सीरियसली काम करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके बाद मैंने देखा कि 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ये कैसे चलता है। देखो दोनों के अंदर सारे एप्स के अंदर 120 हर्ट्ज मस्त चलता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, सबके अंदर हमें 120 हर्ट्ज मस्त देखने मिलता है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फीचर्स की बात करें तो दोनों के अंदर भर भर के फीचर्स देखने मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने मिलता है, और दोनों के अंदर हमें इनका खुद का डायलर भी देखने मिलता है, तो इसके थ्रू आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। बट हाँ, प्रॉक्सिमिटी के अंदर दिक्कत है रेडमी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर वीवो के अंदर देखने मिलता है, और हाँ आप ऐसा हाथ रखते हो तो ये जब भी आप कॉल वगैरह लगाते हो तो डिस्प्ले को बंद कर देता है, जैसे कि कानों के पास लेके जाओगे तो तुरंत बंद कर देगा। बट रेडमी के अंदर मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी है, जो इसका मतलब प्रॉपर यहाँ पे सेंसर नहीं है और ये इजीली इतना बंद नहीं करता डिस्प्ले को जैसे आप कॉल लगाते हो। और जितना मैंने चेक किया था, कानों के पास भी लेके जाते हो ना, कम से कम 4-5 बार आप कानों के पास लेके जाते हो तो 3-4 टाइम ही काम करता है, 1-2 बार ही काम नहीं करता, तो प्रॉक्सिमिटी का डेफिनेटली यहाँ पे इशू हो सकता है रेडमी के साथ, तो ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो वीवो के अंदर फटाफट सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, जो ये चीज मुझे सही लगी। 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3S के सिक्योरिटी पैच लेवल इनके साथ देखने मिल जाएगी। तो अभी मैं यही बोल सकता हूँ कि हमें रेडमी का जो इंडियन वेरियंट आने वाला है ना, उसका सॉफ्टवेयर चेक करना चाहिए, जो हाइपर ओएस वगैरह आएगा ना वो कितना ऑप्टिमाइज होकर आता है। बाकी वीवो में ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट एनिमेशन यार इंप्रूव किए जा सकते हैं और वीवो को काम करना चाहिए इसके ऊपर, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। उसके बाद इन प्रोसेसर के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है ये भी चेक करना बनता है। तो यहाँ पे जितना मैंने बीजीएमआई को टेस्ट किया, दोनों के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है, मतलब 60 FPS का स्मूथ में सपोर्ट, और HDR में जाते हो तो ओनली अल्ट्रा मतलब 40 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है। और जितना मैंने दोनों को भी देखा है तो हाँ यार, ये दोनों भी फोन 50-60 FPS मस्त चला सकते हैं, बट मॉडरेट गेमिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो जायरो का एक्सपीरियंस है ना दोनों के अंदर, वो यार मतलब आप फुल फ्लेज जायरो प्लेयर हो, 4 फिंगर विद जायरो खेलते हो, तो आपको दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी किसी दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा जायरो रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि इतना भी तगड़ा प्रोसेसर नहीं है जो सब कुछ चीजें एट ए टाइम हैंडल कर सके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मॉडरेट गेमर के लिए दोनों भी सही है, बट फुल फ्लेज गेमर हो तो आपको मैं रिकमेंड दोनों भी नहीं करूंगा। मेरी मेन टेस्टिंग होती है कि बैटरी लाइफ किसकी बेटर देखने मिलते हैं। अभी देखो वीवो के अंदर हमें 4600 mAh की बैटरी देखने मिलती है, बट इसको कम मत समझना, और रेडमी के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है। और जितना मैंने टेस्ट किया, दोनों के अंदर इजीली 8 घंटे के आसपास ऑन स्क्रीन देखने मिलता है, तो ये चीज मुझे सही लगी। अब यार ये चाइनीज रेडमी है तो ये ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, इंडियन वाला बैटरी ड्रेन ना करे बस यही आशा करते हैं। बट अभी जितना मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बैटरी लाइफ दोनों की भी बहुत सही है, 1 दिन तो आराम से आपका निकल जाएगा। बट यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आता है चार्जिंग स्पीड के अंदर। अब देखो यार, वीवो के अंदर हमें 66 वाट का चार्जर देखने मिलता है और रेडमी के साथ हमें 120 वाट का चार्जर देखने मिलता है, और रेडमी लगभग 20-22 मिनट के आसपास फुल चार्ज टकटक। बट यहाँ पे वीवो की बात करें तो ये 50 मिनट्स के ऊपर लगाता है फुल चार्ज होने में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कैमरा सेशन के अंदर कितना डिफरेंस है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन है ना कैमरे के पढ़ लेना, मेन हाईलाइटेड 200 MP रेडमी के अंदर देखने मिलता है, तो यहाँ पे 64 MP हमें वीवो के अंदर देखने मिलता है। बाकी कैमरा कंपेरिजन यहाँ पे आप देख सकते हो, बट जो ट्यूनिंग है ना रेडमी की, ये चाइनीज वेरियंट है तो चाइनीज लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेहरे के ऊपर वगैरह कलर्स आते हैं। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल शॉट लिया, तो यहाँ पे वीवो थोड़ा सा यार मतलब कलर्स को ना ओवर एक्सपोज कर रहा था, जबकि रेडमी के अंदर थोड़ी सी यार वो जो ट्यूनिंग है ना चाइनीज वाली वही देखने मिलती है, और कॉन्ट्रास्ट फील ज़्यादा आता है। बाकी हाँ, रेडमी के अंदर एक बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड है, ये काम चला वो है बट वीवो के अंदर ऐसा कोई अल्ट्रा वाइड देखने नहीं मिलता। बाकी मैंने पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लिया तो एज डिडक्शन वगैरह दोनों के अंदर सही देखने मिलता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वीवो को भी करनी चाहिए, क्योंकि यार ज़्यादा ही यहाँ पे कलर को बूस्ट कर रहा है। रेड टी शर्ट था ये, क्या बना के रख दिया वीवो ने, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी और एक सेकंड मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लिया तो हाँ, एज डिटेक्शन वगैरह दोनों के अंदर सही होती है, वीवो को थोड़ा सा कलर बूस्ट जो कर रहा है वो ठीक करना चाहिए, और रेडमी में जो कॉन्ट्रास्ट फील ज़्यादा आता है ना वो भी सही किया जा सकता है, बट ये चाइनीज़ वेरियंट है तो चाइनीज़ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर ट्यूनिंग आ रही थी। बाकी सेल्फी की बात करें तो दोनों के अंदर मस्त सेल्फी देखने मिलती है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, एज डिटेक्शन वगैरह सही होता है, बट वीवो की सेल्फी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटर देखने मिली। बाकी देखते हैं आने वाले रेडमी में मतलब इंडिया में कैसे ऑप्टिमाइज होकर आता है। बाकी हाई मेगापिक्सल से यहाँ पे मैंने देखा तो हाँ यार, यहाँ पे मच बेटर डिटेल्स हमें 200 MP वाले रेडमी के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी 4K 30 FPS का सपोर्ट दोनों के अंदर यहाँ पे देखने मिलता है, बट एक्सपोजर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू है यहाँ पे वीवो के अंदर, जैसे देख सकते हो पूरा ब्लैक बना दिया है यहाँ पे, मतलब लाइट को मैनेज नहीं कर पाता। बाकी 1080p 60 FPS का भी सपोर्ट देखने मिलता है, बट रेडमी के अंदर स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है 1080p 60 FPS में, वीवो के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं है।
और फिर से लाइट में थोड़ी सी गड़बड़ करता है वीवो। सो फाइनल दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए और क्या रेडमी के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली यार रेडमी का आपको वेट करना चाहिए। तो ये 25-26,000 के अराउंड आएगा ना ऑफर्स वगैरह लगा के, ये मस्त फोन है और आपको डेफिनेटली इसका वेट करना चाहिए। आप मतलब एक ऐसे आपको एक ऐसा फोन चाहिए कि पानी के अंदर भी यूज कर सको, फिर डिजाइन भी बेटर हो और उसके साथ हाँ बैटरी लाइफ भी इसकी अच्छी है और 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है ना ये भी मस्त देखने मिलता है। तो हाँ यार डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो, बट आपको मतलब जल्दी है और आपको फटाफट एक बेस्ट कैमरा वाला फोन बाय करना चाहिए और वीवो का, तो आप डेफिनेटली वीवो के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो क्योंकि ये भी फोन मस्त देखने मिलता है 25,000 के अराउंड। डिजाइन वगैरह ग्लास वगैरह बैक में मिलता है, कर्व डिस्प्ले दोनों के अंदर है, बैटरी लाइफ भी वीवो की सही है और कैमरा भी सही है, बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर से देखने मिलती है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रेडमी के अंदर जाते हैं जैसे कि IP68 की रेटिंग और उसके साथ फास्ट चार्जिंग, तो ये आपको मैटर करता है तो आपको रेडमी का वेट करना चाहिए, मैटर नहीं करता है तो आपको वीवो के साथ जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप कमेंट कर सकते हो और आपको इस फोन के साथ और कौन कौन सी वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट कर लेना। बाकी चैनल के रिगार्डिंग वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी फीडबैक हो वो भी जरूर कमेंट कर सकते हो, बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।